आज हम बात करेंगे पीडीएफ नंबर 5। पीडीएफ नंबर जो 5 है वो वही अपना चैप्टर नंबर सेकंड है। अपना चैप्टर नंबर सेकंड पीडीएफ नंबर 4 से स्टार्ट हुआ था और आज पीडीएफ नंबर 5 है। अपना टॉपिक है कि ओवरहेड क्या होता है। ओवरहेड में तीन कैटेगरी थी, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। आज भी पढ़ेंगे कि फैक्ट्री ओवरहेड में कौन कौन से खर्चे आते हैं। जैसे फैक्ट्री की बिल्डिंग है तो फैक्ट्री की बिल्डिंग का इंश्योरेंस, फैक्ट्री की बिल्डिंग का मेंटेनेंस, फैक्ट्री की बिल्डिंग का रिपेयर, फैक्ट्री की बिल्डिंग में कोई लगाई पुताई का खर्चा हो तो सारा रिपेयर खर्चा। तो डेप्रिशिएशन, रिपेयर, मेंटेनेंस एंड इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग। फैक्ट्री में जो मशीन्स होती है, मशीन्स का डेप्रिशिएशन, मशीन का रिपेयर, मशीन का मेंटेनेंस और मशीन का ओवरहॉलिंग या क्लीनिंग, क्लीनिंग मतलब सफाई का खर्चा, और मशीनरी, ऑन मशीनरी, ये सारे खर्चे फैक्ट्री ओवरहेड में आते हैं। फैक्ट्री में जलने वाली लाइटिंग पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री में काम करने वाले जो भी वर्कर्स हैं, जो भी मजदूर हैं, चाहे वो गेट कीपर हो, वॉचमैन हो, आपका फोरमैन हो, आपका क्लर्क हो फैक्ट्री के अंदर, फैक्ट्री के अंदर सुपरवाइजर हो, इन सब का खर्चा। फैक्ट्री में जो मजदूर काम करता है उसकी मजदूरी लगती है, वो मजदूरी हमारे लागत में अलग से कैलकुलेट होती है, मटीरियल और लेबर की। तो फैक्ट्री में लेबर नहीं आता, लेबर का अलग से कैलकुलेशन होता है क्योंकि वो बड़ा खर्चा है तो फैक्ट्री का, लेकिन उसका अलग से कैलकुलेशन होता है। बाकी जो खर्चे होते हैं वो फैक्ट्री में बढ़ाते हैं। वर्कर्स की कंडीशंस के लिए, वर्कर्स का ओवर टाइम का खर्चा, वर्कर्स का चाय नाश्ता खर्चा, वर्कर्स का रिफ्रेशमेंट का खर्चा, ये सारे खर्चे आपके फैक्ट्री ओवरहेड में आते हैं। इसके अलावा जो भी नया प्रोडक्ट हम बनाते हैं उस नए प्रोडक्ट पे होने वाले जो भी एक्सपेरिमेंट खर्चे हैं, रिसर्च के खर्चे हैं नए प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, ये सारे आपके फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है। फैक्ट्री ओवरहेड में वर्किंग कंडीशंस पे खर्चा हो सकता है, ये भी फैक्ट्री का पार्ट है। फैक्ट्री के अंदर आपके माल को यहां से उठा के बाहर रखना, यानी कि रिमूवल ऑफ बर्डन एक्सपेंसेस, माल को यहां से बाहर रखना, रिमूवल ऑफ बर्डन के जो खर्चे होते हैं ये भी इसका पार्ट है। इसके अलावा ऐसा मटेरियल जो माल बनाने के लिए हेल्पिंग हो वो आपके फैक्ट्री में काम आता है। जैसे आप चीनी बना रहे हो, चीनी के लिए शुगर हो मटेरियल है, उसका अलग से कैलकुलेशन। लेकिन चीनी में जो झाग है या छोटा मोटा जो मटेरियल है, जो स्टोर्स होते हैं छोटे मोटे मटेरियल के, वो स्टोरेज या कंज्यूमेबल जो स्टोर्स होते हैं उनका खर्चा भी फैक्ट्री का पार्ट है। मैंने पीडीएफ नंबर 5 में ये सभी आइटम इंग्लिश के अंदर बुक से आपको दिए हैं, वो आपको पढ़ सकते हैं, मेरा पीडीएफ और मेरा वीडियो बार बार सुन सकते हैं। अगला खर्चा आता है ऑफिस ओवरहेड्स। ऑफिस के खर्चों को हम कार्यालय व्यय बोलते हैं, ऑफिस ओवरहेड्स को एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे भी कहा जाता है, प्रशासनिक ऊपरी। इसमें प्रशासनिक खर्चे आते हैं जैसे रिपेयर, मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस या रिपेयर, मेंटेनेंस या डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट्स, जिसे ऑफिस इक्विपमेंट का मतलब होता है कि ऑफिस में काम आने वाले इक्विपमेंट्स, मशीनरीज, जैसे कंप्यूटर, बड़ी कंपनी है तो बनने की मशीन, ये सारे। इसके अलावा ऑफिस में आता है आपके बैंक के एक्सपेंसेस, सी जो खाते चेक करेगा उसका ऑडिट का एक्सपेंसेस, ऑफिस के अंदर जो भी सैलरी है, बोनस है, कमीशन है, इसका ऑफिस वर्कर्स का, ऑफिस मैनेजर्स का, ये सब ऑफिस में आता है। बैंक एक्सपेंस ऑफिस में आएगा, जनरल एक्सपेंस ऑफिस में आएगा, सीए का लीगल, सीए का ऑडिट खर्चा ऑफिस में आएगा। इसके अलावा आपके जो लॉयर्स बैठते हैं ऑफिस में, जिसे अपन लीगल खर्चा कहते हैं, वो आपके इसमें आएगा। बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसके लिए आपको लीगल एडवाइजरी की जरूरत पड़ती है, तो इसमें आपको लेते हैं। इसके अलावा स्टेशनरी का खर्चा है, एयर कंडीशनिंग का खर्चा है, ऑफिस की जो बिल्डिंग है वो आपकी नहीं है तो ऑफिस बिल्डिंग का रेंट है, स्टेशनरी है, जनरल एक्सपेंसेस है, इस सारे आपके ऑफिस एक्सपेंसेस के पार्ट हैं।
पढ़ सकते हैं हमें पीडीएफ फाइल को, और आप सुन सकते हैं उसी पीडीएफ को